नमस्कार सर्वेभ्य। आज हम लोग अनुशासनम प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। यह वैदिक साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ तैत्तरीय उपनिषद के 11वें अनुवाद से लिया गया है, शिक्षावल्ली। उपनिषद वेद के प्रचारार्थ उपनिषद ग्रंथ आए, वेद की व्याख्या करने के लिए उपनिषद ग्रंथ आए, उन्हीं उपनिषदों में एक तैत्तरीय उपनिषद जिससे यह पाठ संकलित किया गया है। शब्द से ही मालूम होता है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। कहा भी जाता है डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, सामान्य भाषाओं में। परंतु ये सारे विचार कहाँ से आते हैं? यह सारे विचार हमारे उपनिषदों में भरे पड़े हैं। इसी संदर्भ में यह पाठ अनुशासन से लिया गया है। आप जानते होंगे विद्यालय में जब कक्षाएं समाप्त हो जाती है, पढ़ाई समाप्त हो जाते हैं, तो एक समारोह का आयोजन होता है जिसे दीक्षांत समारोह कहते हैं। उसी प्रकार से प्राचीन काल में गुरुकुल जब था, गुरुकुल की प्रथाएं थी, उस समय गुरुकुल आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों की जब शिक्षा समाप्त होती थी तो उसके लिए एक संस्कार होता था जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं, और उसी से यह पाठ उद्धृत किया गया है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए। वेद मनुचार्यो अन्तेवासिन मनुशास्ति, वेदम अनुच्य, अनुच्य वेद को पढ़ाकर, वेदम अनुच्य पढ़ाकर, ल्य प्रत्यय है, आचार्यः अन्तेवासिनम अनुशास्ति। आचार्य अन्तेवासी अर्थात अन्ते गुरु के अंदर रहने वाले, अर्थात गुरु के समीप रहने वाले ज्ञानार्थ जो रहते हैं, अर्थात छात्र को यहाँ लिया गया है, विद्यार्थी को। आचार्य अन्तेवासिनम अनुशास्ति, उपदेश देते हैं छात्र को। क्या उपदेश देते हैं? तो बोले सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म के प्रति आचरण करो, अर्थात धर्म में आप धर्म के मार्ग पर चलो। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्यायान मा, स्वाध्यायात मा, मैंने यहाँ संधि विच्छेद कर दिया है उस जटिल शब्दों का। स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, अर्थात आलस्य नहीं करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य के लिए अभीष्ट धन जो है, प्रिय धन जो है, धन अर्थात ये नहीं, इच्छा, उनकी इच्छा को लाकर दो। प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सी, और प्रजातंतुम अर्थात वंश परंपरा को मा व्यवच्छेत्सी, उसका खंडन मत करो। वंश परंपरा क्या हुई? पितृऋण, पांच ऋण होते हैं, उसमें एक पितृऋण भी है। संतान उत्पत्ति करके आप पितृऋण से मुक्त हो जाए, अर्थात वंश परंपरा को चलते रहने दें। आगे दिया सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करो। धर्मान् न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करो। धर्म से प्रमाद मतलब आलस्य, धर्म से आलस्य नहीं करो, अर्थात धर्म कार्य में आलस्य नहीं करो। कुशलान् न प्रमदितव्यम, कुशलता से प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्य अर्थात ऐश्वर्य के लिए, सुख साधन के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन के लिए, अर्थात प्रवचन अर्थात अच्छी वाणी, कहीं बोलने का अवसर मिले तो उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे दिया
देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता तथा पितृकार्य के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे दिया मातृदेवो भव, माता देवता तुल्य होती है ऐसी भावना करनी चाहिए। पितृदेवो भव, पिता देवतुल्य होते हैं ऐसी भावना करनी चाहिए। आचार्य देवो भव, आचार्य देवतुल्य होते हैं ऐसा विचार करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। यान्यन वाद्यानि यानि अनवाद्यानि कर्माणि, यानि कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि यत ये यानि, जो भी अनवद्यानि कर्माणि, अनवद्य अर्थात अनिंद्य, जिसकी निंदा ना हो, अनवद्य जिसकी निंदा ना हो, वैसे तानि सेवितव्यानि उसकी सेवा करनी चाहिए, अर्थात ऐसे काम ना करें इसकी निंदा हो। आगे दिया नौ इतराणि, इससे इतर नहीं, अर्थात वैसे ही कर्म करें जिसमें आपकी निंदा ना हो। आगे यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया त्वयोपास्यानि, यानि अस्माकं यण संधि है, यान्य नवद्यानि यानि अनवद्यानि यानि अस्माकं, जो हमारे सुचरितानि ऐसे चरित्र हैं अच्छे कर्म हैं, तानि वे सभी कर्म त्वयोपास्यानि त्वया उपसेव उपास्यानि, उसकी उपासना करनी चाहिए, इससे अलग उपासना नहीं करनी चाहिए, अर्थात अच्छे कर्म की उपासना करनी चाहिए। आगे दिया अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा वा स्यात्, अब यदि ते कर्म तुम्हारा कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा वा, विचिकित्सा का अर्थ होता है विषय में संदेह, कर्म में यदि संदेह है, उचित अनुचित कर्म में संदेह है कि यह कर्म उचित है या अनुचित है, तो उसमें तथा वृत्त विचिकित्सा वा अर्थात वृत्ति में यदि आपका कोई संदेह है, तो ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, तो बोला कि ये तत्र अर्थात वहाँ ये ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म को, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला अर्थात सत्य से परिचित, सत्य कर्म करने वाला, ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता आयुक्ता, जे सम्मर्षिणः का अर्थ होता है विचारशील सहनशील, जे ऐसे ब्राह्मण हैं जो विचारशील हैं अर्थात विचार करते हैं, युक्त हैं अर्थात ज्ञान विज्ञान में तृप्त हैं, आयुक्ता अर्थात स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हैं, अलूक्षा अर्थात कोमल हृदय वाले हैं, धर्म कामास्यो अर्थात कर्तव्य परायण होवे यथा ते तत्र वर्तेरन, यथा जैसे ते अर्थात यह ब्राह्मण के लिए लिया गया है, तत्र वर्तेरन वो वर्ताव करते हैं व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्तेता वैसे ही वहां तुम्हें करना चाहिए, अर्थात यहाँ वही बात होगी महाजनो ये गता सपनता, कहीं ऐसे कर्म में आपको कि संदेह हो कि यह उचित है या अनुचित है, तो वहां अपने से श्रेयस्क कर व्यक्ति का अनुकरण करना। एष आदेश, यह आदेश है, एष उपदेश, यह उपदेश है, एषा वेदोपनिषद, यह ज्ञान का सार है, एतत् अनुशासनम, यही अनुशासन है, एवं उपासितेभ्यम, इसकी ही उपासना करनी चाहिए, एवं च एतत् उपास्यम, और ऐसे ही उपासना करनी चाहिए। यह अनुशासन पाठ है, इसके प्रश्न उत्तर को बाद में देखते हैं आगामी दिन। नमो नमः।